मैं एक बात बहुत ही मानती हूँ फ्रेंड्स, हर इंसान को मुंह से नहीं कर्म के ऊपर ही पहचान होना चाहिए, क्योंकि कर्म से ही पता चलते हैं वो इंसान कैसा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? आशा रखते आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी सुबह का 4:45 बज गए, तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के ही दरवाज़े में पानी देने के लिए चली गई। ये देखिए, ये मेरा घर का एकदम फ्रंट का दरवाज़ा, उधर मैं चली गई। अभी मैं आ जाऊँगी किचन में। और मैं कैसी हूँ फ्रेंड्स, ब्लॉग देखने के बाद आप सबको पता चल ही जाएगा, तो आज का ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। अभी मैं बना रही हूँ पम्पकिन आलू की सब्जी, और उसके अंदर दिया मैंने फ्राई करके मूंगफली। मेरे पतिदेव को बहुत ही पसंद है फ्रेंड्स, और उसके साथ में बनाऊंगी पराठा। एक चूल्हा में तो आलू और पम्पकिन का सब्जी बन रहा है, दूसरे चूल्हा में मैं भिंडी फ्राई करने के लिए बिठा रही हूँ। तो भिंडी फ्राई मेरे दोनों बच्चों को बहुत ही पसंद है, और पराठा का साथ तो अच्छा ही लगता है। गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, मतलब इतना सुबह सुबह भी जैसे मुझे पसीना पसीना हो रहा है। मैं सामने का खिड़की दरवाज़ा सब मैंने खोल दिया, लेकिन खोलने से क्या फ़ायदा, गर्मी तो होगा ही होगा। अभी गर्मी का सीज़न है, जो भी हो किचन में भी रहना पड़ेगा मुझे, और रोटी पराठा सब्जी भी बनाना पड़ेगा मुझे। तो फटाफट मैं पराठा बना लेती हूँ। और एक बात आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, मुझे मतलब जो मेरा फ्रेंड्स है, बहुत सारा फ्रेंड्स ने मुझे बताया तू रात को आटा गूंद के मत रख। मुझे पता है फ्रेंड्स, लेकिन ना सुबह का टाइम आटा गूंदना और फिर रोटी पराठा बनाना ना मुझसे होता ही नहीं है, क्योंकि आटा गूंदने में पता नहीं क्यों जैसे मेरा बहुत टाइम लगता है। कम आटा गूंदूँ या ज़्यादा आटा गूंदूँ, लेकिन टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है। मैं सोचती हूँ, डेली सोचती हूँ मैं सुबह गूंदूँगी, लेकिन वो चीज़ होता ही नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। आज सुबह का नज़ारा एक बार आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, देख लीजिए। अगर सुबह का नज़ारा आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर देना, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी सुबह का नज़ारा मेरा बेडरूम का एकदम खिड़की से मैं ले रही हूँ, और ये देखिए सूर्य का जो किरण है वो भी मैं पूरा क्लियर करके आप सबको दिखा रही हूँ। आज का दिन फ्रेंड्स बहुत ही खास है, आज हनुमान जयंती है, तो हमारा सोसाइटी में सुबह सुबह भजन कीर्तन चालू भी हो गया। मैं स्कूल जाने के टाइम आप सबको दिखाऊंगी हमारा सोसाइटी का भजन कीर्तन कैसा होता है। और एक ख़ास बात भी है, आज का दिन स्कूल हो जाने के बाद फिर गर्मी की छुट्टी लग जाएगी बच्चों का, तो इसकी वजह से मेरे बड़ी बड़ी का बर्थडे भी आ रहे कुछ दिन के बाद। तो कल से ही प्लान करके रखा स्कूल में आज सबको चॉकलेट देंगे, तो बहुत सारा चॉकलेट भर के स्कूल के लिए लेके जा रहे डब्बा भर के। लेकिन फ्रेंड्स हमारे टाइम में तो ये सब कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी का ज़माने में ये तो सब कंपलसरी हो गया करना। स्कूल जाने के लिए हम तीनों मेंबर पूरा रेडी हो गए, और आप सबको तो मैं बताई फ्रेंड्स, स्कूल का ड्रेस अभी तक नहीं मिला। मुझे लग रहा है गर्मी की छुट्टी के बाद में शायद स्कूल का ड्रेस मिलेगा, इसीलिए एक एक दिन एक एक कलर का ड्रेस पहन के स्कूल में जा रहे। अभी इतना सुबह उठते उठते ना फ्रेंड्स, ऐसा एक टाइप का हैबिट हो गया, मतलब जिस दिन छुट्टी रहता है ना उस दिन भी नींद टूट जाता है, लेकिन फिर नींद से उठने के बाद फिर सो जाती हूँ, लेकिन वो पक्का वाला नींद मतलब गहरी वाला नींद बिल्कुल नहीं आता है। मतलब एक जैसा हैबिट हो गया ना, 4:45 बजे उठना या 5 बजे उठना, घड़ी बजे या ना बजे उठना ज़रूर हो जाता है। स्कूल जाने के लिए हम तीनों मेंबर पूरा रेडी हो गए, अभी हम जा रहे हैं फ्रेंड्स स्कूल की तरफ, तो मेरे साथ चलिए। कैसे करके हम जाते हैं भागते भागते स्कूल का बस पकड़ने के लिए। स्कूल जाने के लिए हम भागते भागते आ गए, और आते आते मैं एक चीज़ में दिखा रही हूँ, ये मेरा फेवरेट फूल है, इसका नाम मुझे पता नहीं लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और एक चीज़ दिखा रही हूँ, मेरे बड़ी गुड़िया ने क्या ड्राइंग किया स्कूल में दिखाने के लिए, देख लीजिए फ्रेंड्स। बच्चे स्कूल चले गए और मैं आ गई वॉकिंग के लिए, तो वॉकिंग करते करते मैं आ गई मंदिर के सामने, तो मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगी फ्रेंड्स, मैंने अभी तक नहाना धोना कुछ नहीं किया, तो इसकी वजह से मैं मंदिर का बाहर से मैं आप सबको दिखा रही हूँ। ये देखिए मंदिर में ऑलरेडी भजन कीर्तन चालू भी हो गया, और कितने बजे से चालू हुआ मुझे पता ही नहीं, लेकिन मैं घर से ही आवाज़ सुन रही थी, मतलब मुझे लग रहा था बहुत सुबह सुबह चालू हो गया। तो जो भी हो फ्रेंड्स, हमारे मंदिर का भगवान का एक बार दर्शन कर लीजिए। वॉकिंग करते करते मैं आ गई रोड के तरफ, रोड के तरफ मैं आई हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मुझे दूध का पैकेट चाहिए, लेकिन दूध वाला तो अभी आया नहीं, तो खाली हाथ में मुझे जाना पड़ रहा है घर के तरफ। तो जो भी हो वॉकिंग भी हो गया, लेकिन दूध मैं शाम को ले लूँगी।
वॉकिंग हो गया, मैं घर आ गई। घर आने के बाद ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स 20-25 मिनट ही मैंने योगा किया, जो मेरा मेन योगा था वही। आने के बाद मैंने फिर तुरंत चाय बिठा दिया था, चाय अभी बन गया, चाय मैं अभी आप सबके साथ पी रही हूँ। तो एक चीज़ नोटिस किया होंगे फ्रेंड्स, मैंने स्टील का ग्लास में अभी चाय नहीं पी रही हूँ क्योंकि बहुत ही गर्म रहता है। तो मैं सोची उससे अच्छा मैं कप पर चाय पी लेती हूँ। मैं एक बात आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो इंसान के बातों में पूरा मधु मतलब हानि आता है ना, इतना मीठा वाला मीठा आवाज़ मीठा वाला बात करता है ना, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, वो इंसान कैसा होता है पता नहीं, लेकिन जिसका बातों में थोड़ा सा करवाहट होता है ना, वो इंसान बहुत अच्छा होता है। ये क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए ये चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। दोबारा किचन में जाने से पहले मैं सोच रही थी थोड़ा सा पोछा पोछी कर लेती हूँ, तो इसकी वजह से मैं घर का पोछा पोछी करना शुरू कर दिया। नहीं फ्रेंड्स झाड़ू पोछा नहीं, से वो डाइनिंग टेबल, बेडरूम क्लीन करना, सोफ़ा, टी टेबल, ये सब जो छोटा छोटा डेली का साफ़ करने वाला चीज़ रहता है वो मैं सबसे पहले क्लीन कर लिया। छोटा छोटा काम हो जाने के बाद मैं किचन में आ गई फ्रेंड्स, और आज मैं फ़िश बनाऊंगी। तो इसकी वजह से फ्रिज से मैं फ़िश को पूरा निकाल के बाहर पानी में रख दिया था, बड़ा पूरा निकल गया और फिश भी नॉर्मल हो गया था। थोड़ा टाइम के बाद मैं पानी पूरा फेंक दूंगी। बेसिन में सुबह का बहुत सारा बर्तन है फ्रेंड्स, तो ये मैं पहले धो लेती हूँ क्योंकि इसके अंदर अगर मैं फ़िश का पानी फेंकूँगी ना तो सभी बर्तन से ना फिश का कैसे स्मेल आएगा। तो उससे बेटर है ये बर्तन क्लीन करने के बाद बेसिन भी क्लीन हो जाएगा, तब मैं अच्छा करके फ़िश का पानी भी फेंक दूँगी और फ़िश को भी अच्छा करके मैं धो सकती हूँ। बहुत दिन हो गए फ्रेंड्स फूलगोभी का सब्जी नहीं बनाई, इसीलिए फूलगोभी और आलू का मैं सब्जी बना रही हूँ। फूलगोभी के कढ़ाई में ना फ्राई करने के बाद फ्राई बहुत अच्छा करके होता है, मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स देख लीजिए। ये देखिए मैं लास्ट टाइम जब फिश बनाई थी फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही है मेरा आग के पास में होठों के ऊपर तेल का पूरा छींटा आ गया, अभी तक पूरा स्पॉट होकर रह गया। लेकिन बहुत दिन हो गया फ़िश नहीं बनाई, इसीलिए फ़िश खाने का सभी का बहुत ही मन हो रहा था, तो इसकी वजह से मैं आज बना रही हूँ कतला फ़िश। तो सबसे पहले मैं नमक हल्दी लगा के उसको रखूँगी, फिर अच्छा सा फ्राई करके एकदम तड़का वाला मसाला वाला फ़िश करी आज बनाऊँगी। एक तरफ फ़िश फ्राई हो रहा है और दूसरे तरफ मैं घर में झाड़ू पोछा कर रही हूँ फ्रेंड्स, झाड़ू लगाना मेरा पूरा हो गया। पोछा लगाने से पहले पानी के अंदर मैंने सर्फ डाला, दूसरा दिन मैं लिक्विड डालती हूँ अच्छा सा स्मेल वाला, लेकिन आज क्या मन हुआ मैं सोच रही थी आज थोड़ा सा सर्फ डाल के घर पोछा कर लेती हूँ। कभी कभी ना फ्रेंड्स मैं नमक डाल के भी पोछा करती हूँ, नमक का फ़ायदा क्या होता है, छोटा छोटा कीड़ा वगैरह ख़त्म हो जाता है। और सर्फ से क्या फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, घर पूरा चकचक दिखता है, मतलब अच्छा ही लगता है। ये देखिए घर क्लीन लग रहा है ना दूसरा दिन से। और नमक डाल के पोछा लगाने का और एक फ़ायदा भी होता है फ्रेंड्स, मतलब ये मैं मेरे माँ से सुनी हूँ, नमक से क्या होता है ना घर का जो दोष होता है ना ग्रह दोष वो कट जाता है। इसकी वजह से ना बीच बीच पर नमक से भी घर पोछा लगाना चाहिए। नहाना धोना पूजा करना सब मेरा ख़त्म हो गया, अभी मैं कपड़ा लगाने वाली हूँ। और जितना सारा कपड़ा मैं आज धोया ना फ्रेंड्स, बिल्कुल कोई भी मैशिंग में मैंने नहीं धोया, मैं सभी कपड़ा हाथों से धोया क्योंकि ये हल्का हल्का कपड़ा है, मैशिंग में डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होता है, थोड़ा सा सर्फ डालो घिसो हो जाता है। कपड़ा लगाने के बाद एक चीज़ दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, आप सब देखेंगे तो सोचेंगे अरे ये क्या हाल हो गया। ये वाला रूम का हाल देख लीजिए फ्रेंड्स एक बार, जैसा लग रहा है ना सेल लग गए, मुझे भी ना वैसा लग रहा था। लेकिन फ्रेंड्स ये दो दिन का कपड़ा है, मुझे कपड़ा फोल्ड करने में ना बहुत आलसमी लगती है, मतलब सबसे लास्ट वाला काम के लिए मैं रखती हूँ कपड़ा फोल्ड करना, लेकिन अभी बहुत जम गया। आपका आज का कपड़ा अगर मैं इसके ऊपर डालूँगी ना तो और भी ज़्यादा जम गया है, उससे अच्छा है मैं ये सब कपड़ा अच्छा करके फोल्ड करके पहले लग देती हूँ और ये बेड को भी क्लीन कर लेती हूँ। एक हंसी की बात बताती हूँ फ्रेंड्स आप सबको, मेरा एक फ्रेंड है वो इतना सुंदर करके कपड़ा फोल्ड करती है ना, मैं क्या बताऊँ, जैसे दुकान में कपड़ा रहता है ना फोल्डिंग कपड़ा, वो वैसा करके करती है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी मैं उसके घर पे जाती हूँ ना मैं कहती हूँ अरे तुम तो बहुत अच्छा करके कपड़ा फोल्ड किए हो, और मैं तो मतलब सबसे लास्ट वाला काम में रखती हूँ कपड़ा फोल्ड करना, तो वो मेरे बात सुनकर ना बहुत हंसती है। सही में फ्रेंड्स उसका एक गुण ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें तो मैं पूरा 0 मार्क्स मिलेगा मुझे फुल करने के लिए।
दो फ्रेंड ना मुझे घर का पूरा वीडियो करने के लिए बोला, मतलब घर का टूर करने के लिए बताया, लेकिन ये कपड़े के वजह से मैं टूर नहीं कर पा रही हूँ फ्रेंड्स। मैं आज पूरा क्लीन करूँगी, कल फिर से जम जाएगा, तो इसकी वजह से तो कैसा तो लगता है। तो मैं सोचती हूँ करूँगी लेकिन होता ही नहीं है। जिस दिन ये कपड़ा वगैरह सब क्लीन हो जाएगा उस दिन मैं घर का एक टूर बनाऊँगी आप सबके लिए। जो जो इंसान फ्रेंड्स मुंह से ऑल टाइम मीठा बात बाहर करती है ना, वो सब इंसान को बंगाली में क्या कहते हैं पता है? मीठा छुरी। मतलब मीठा बात करते करते छुरी घुसा देते हैं। मतलब ऐसा कहावत है लेकिन रियल में ऐसा है नहीं। मतलब वो जो बोलते हैं ना, एक एक चीज़ के लिए एक कहावत होता है, तो बंगाल में ऐसा एक कहावत होता है मीठा छुरी। आज का स्कूल हो जाने के बाद बच्चों का गर्मी की छुट्टी लग जाएगी फ्रेंड्स, लेकिन गर्मी की छुट्टी में तो हम सब नासिक में ही रहेंगे, किधर भी घूमने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी में कहाँ घूमने के लिए जाना। उससे अच्छे अपने घर में आराम से रहो, खाओ पियो, वही सबसे अच्छी बात होता है। जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है ना फ्रेंड्स, मैं टीवी लगा के अपना काम करती हूँ। मतलब टीवी हो तो लगता है हाँ घर में कोई है, अगर टीवी बंद रहता है ना तो लगता है अरे आसपास में भी कोई नहीं रहता है। आ गए फ्रेंड्स मेरे दो अनमोल रतन स्कूल से और बहुत खुश है। आते आते बता रहे मम्मा आज से गर्मी की छुट्टी लग गई, तो आज से हम लोगों का भी स्कूल का छुट्टी है, तो हम दोनों भी बहुत मज़ा करेंगे। बच्चे दोनों स्कूल से आने के बाद चॉकलेट लेके बैठ गए, क्योंकि मेरी बड़ी गुड़िया अपने बर्थडे सेलिब्रेट करके आई स्कूल से और ये वाला चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इतना सा ही चॉकलेट बचा है। तो बोल रहे मम्मा इतना सा चॉकलेट तो है, तो मैं क्या करूँ, खा लूँ क्या? तो मैं बोली बिल्कुल नहीं खाना, छोटी गुड़िया का बॉक्स में है दो तीन ग्रीन कलर का तो कुछ जेली टाइप का चॉकलेट जो उसको ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है फ्रेंड्स। गर्मी की छुट्टी लग गई बोल के तीनों मिलके देखिए कैसे बंदर डांस कर रही है ना, बहुत खुश है। लेकिन अभी अनन्या का आज से छुट्टी नहीं, शनिवार से छुट्टी होगा, तो भी वो खुशी मना रही है। दूसरे दिन इतना टाइम में हम तीनों का खाना ख़त्म हो जाता था, लेकिन आज दोपहर में कितने बजे खाना हम लोगों का नसीब में होगा पता नहीं। अभी तो दोनों का बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लग गई है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं इधर ही एंडिंग कर रही हूँ, तो आशा रखती हूँ आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगेगा। मेरे ब्लॉग मेरे चैनल अच्छे लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर देना, और क्यों अच्छा लग रहा है कमेंट्स में बता देना फ्रेंड्स। और सबसे जो बड़ी बात है, आप सब अच्छे रहे स्वस्थ रहे, ये सबसे बड़ी बात है। फिर मिलती हूँ कल का नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।